हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकितांक मोगा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, CSS को सीखने की सीरीज़ में जो लेक्चर नंबर 67 है, जिसमें जब हम बात करेंगे वेब से फॉन्ट CSS टॉपिक की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको नोट पैड कोड दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक पी टैग लिया हुआ है इस तरीके से, और इसमें मैंने कुछ डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर पी टैग को CSS लगाने के लिए स्टाइल टैग में कॉल किया है। आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। तो देखिए, बेसिकली होता क्या है, हमारे पास वेब से फॉन्ट एक टॉपिक होता है, जिसमें होता क्या है कि सपोज़ करो मैंने अपने वेब पेजेस पर, मैंने वेब एप्लीकेशन में, मैंने पैराग्राफ में ये फॉन्ट मैंने अप्लाई किया है। मे बी फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम या मेरा ब्राउज़र अगर इस फॉन्ट को नहीं गेट करता या नहीं इसको एक्टिव कर पा रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा। तो ऐसे केस में हम फॉन्ट फैमिली जो देने का तरीका होता है, यही होता है हमारा वेब से फॉन्ट। तो बेसिकली हम किस तरीके से देते हैं, हम कोमा लगा के यहाँ पर आपको यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी दे देंगे, फिर यहाँ पर आपको टाइम्स न्यू रोमन इस तरीके से, टाइम्स न्यू रोमन इस तरीके से प्रॉपर्टी हम देते हैं। बेसिकली फॉन्ट फैमिली की वैल्यू यहाँ पर देते हैं। अगर आप फॉन्ट फैमिली में अगर आप एरियल सेट करते हैं, तो बेसिकली वो एरियल ही लेगा, सबसे पहले जो आप लिखोगे वही वो लेगा। अगर यहाँ पर मैं चिलर हटा के सपोज फर्स्ट में चिलर कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ मैं एरियल, तो इस तरीके से प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली में जो हम वैल्यू देते हैं मल्टीपल फॉन्ट्स जो हमें अपने वेब पेज में देने हैं, तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर हमारा वेब ब्राउज़र या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पहले वाले फॉन्ट को नहीं लगा पा रहा है या नहीं इसको पुट कर पा रहा है या इसको अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये इसको हटा के सेकंड वाले को ट्राई कर ले, तो सेकंड वाला फॉन्ट आ जाएगा। सेकंड वाले को भी नहीं लगा पा रहा है तो थर्ड वाला ट्राई कर ले। तो इस तरीके से ये वेब सेफ फॉन्ट टॉपिक होता है, जिसमें ये चीज़ होती है जो मैंने आपको बताई कि अगर आप चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में पैरा फॉन्ट फैमिली प्रोवाइड करना, तो मल्टीपल जो आपने कई सारी वेब एप्लीकेशन देखा होगा वो ये रीज़न होता है यही। तो बेसिकली मैं सेव करता हूँ, सो करता हूँ रिफ्रेश, तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर अभी चिल्ड्रन यहाँ पर एक्टिव है। अगर मे बी चांस अगर वेब ब्राउज़र को ये या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये फॉन्ट फैमिली नहीं मिलेगी, तो वो सेकंड वाले को अप्लाई करेगा। अगर सेकंड वाले नहीं मिलेगी तो थर्ड वाले को अप्लाई करेगा। तो इस तरीके से वेब हमारी जो फॉन्ट फैमिली की वैल्यू देने से क्या होता है कि हमारी वेब एप्लीकेशन एक प्रॉपर अच्छी वेब एप्लीकेशन बनती है, जिससे कि किसी भी कंडीशन में अपने आप को मेंटेन कर सकती है। तो बेसिकली इतना ही था इसके वेब से फॉन्ट टॉपिक में। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।